चंद्रबाबू नायडू लगता है बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद भी खींच में है। गाहे बगाहे उनकी भाषा से उनका गुस्सा या उनका भाव झलक जाता है। शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान वो आंगनबाड़ी शिक्षिकाओं से मिल रहे थे। ये सभी शिक्षिकाएं वेतन बढ़ने की खुशी में मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करने पहुंची थी, लेकिन शिक्षिकाओं ने सीएम को साधुवाद क्या दिया, चंद्रबाबू साहब शायद मर्यादा भूल गए और उन्होंने कहा कि कुछ लोग अनगिनत वायदे कर रहे हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे बंदरों का झुंड सत्ता में आया तो राज्य तहस नहस हो जाएगा। एक अखबार की रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने सभी शिक्षिकाओं से कहा कि प्रदेश की सत्ता में एक ही पार्टी का आना जरूरी है, तभी विकास होता रहेगा, नहीं तो प्रदेश भारी संकट में फंस जाएगा। लगे हाथ उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी पर भी मोदी सरकार पर खूब हमला बोला और कहा कि इन फैसलों से देश मुश्किल में है। भले ही चंद्रबाबू ने किसी का नाम न लिया हो, लेकिन चंद्रबाबू जैसे गंभीर नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती।